नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सूजी के लड्डू की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता है। दो कटोरी सूजी है, एक कटोरी चीनी है। चीनी आपने अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, आप कितना मीठा खाते हैं। चार इलायची, इसको मैंने दरदरा सा पीस ली हूँ। दो चम्मच घी है और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है, ये दो कटोरी है। और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में आपका काजू है, बादाम है, और आप इसमें चाहो तो किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं। गैस में सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ानी है। कढ़ाई में आपने ये दो चम्मच घी डाल देना है, ज़्यादा भी नहीं डालना, क्वांटिटी के हिसाब से आपने घी डालना है। इसके बाद आपने ये जो सूजी है उसको मैंने पहले छान लिए थे, आपने इसमें डाल देना है और इसको आपने ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए दोस्तों, ये हल्का हल्का भून हो रहा है। आपने ऐसे बस फ्लेम को थोड़ा धीमे कर देना, क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए। अगर फुल आंच में आप करोगे तो ये जल जाएगा, फिर इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। सूजी जलना नहीं चाहिए। सूजी हमारे भून चुका है, अब आपने आग बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है। दोस्तों, इसमें हमने चीनी नहीं डालना अभी, क्योंकि अगर आप ऐसे करके डालोगे तो फिर वो चीनी मेल्ट हो जाएगा। हमने चीनी को मेल्ट नहीं करना है इसमें। दोस्तों, ये हमने इसमें परात में डाल ली हूँ मैंने। इसके बाद में आपने जो चीनी है, ये चीनी को मिक्स करना है। आप अपने मीठे के हिसाब से देख लीजिएगा, इसको आपने ऐसे मिक्स कर देना है। इसके बाद आपने ड्राई फ्रूट डालना है, अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट डालो, नहीं तो वो आपकी इच्छा है। ड्राई फ्रूट हो गया है, इसके बाद में आपने ये इलायची डालना है जो आपने दरदरा पीसा हुआ था, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपने ये नारियल, थोड़ा सा नारियल ऐसे करके डाल देना है। नारियल का बूरा बाजार में भी मिलता है, पर वो ज़्यादा स्वाद नहीं होता है। आप घर में खुद ही नारियल गाड़ी लेके उसको कद्दूकस कर लीजिएगा। आपने इसको ऐसे करके एक साइड में कर देना है, क्योंकि अब इसके बाद हमें ये एक गिलास दूध ली हूँ, दूध की ज़रूरत पड़ेगी। पर दूध की क्वांटिटी भी आपने आपकी मटेरियल के हिसाब से ही लगाना है। इसके बाद में हमने नारियल थोड़ी ऊपर से छिड़क देना है। आपने एक साइड से ऐसे करके लेना है। दोस्तों, अब आपने इसमें थोड़ा सा दूध ऐसे करके मिक्स करते जाना है। आपने थोड़ा थोड़ा लेना है, क्योंकि अगर आप एक ही बार लोगे तो सब वो खराब हो जाएगा, अच्छे से नहीं बनेगा। आपने इसमें ये करने के बाद में आपने जितने लड्डू आपसे बनेंगे आप उतने हिस्सा ले लीजिए। फिर इसमें आपने थोड़ी सी दूध डालना है। फिर इसके बाद में दोस्तों आपने ऐसे करके ये करना है, ये हल्के हल्के आसे आपने ये लड्डू का ये करना है, हल्के हल्के आसे इसको लड्डू इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो ये फिर आपका निकल जाने का डर होगा। ये देखिए आपकी ये लड्डू हो गया। अब इसके ऊपर आपने नारियल से हल्का सा ये करके आपने अपने लड्डू को यहाँ पे रखना है, बिल्कुल हल्के ऐसे करना, क्योंकि दोस्तों ये वो बन रहा है। देखिए दोस्तों, आपने इस तरह से ये लड्डू बना लेने हैं। लड्डू आप अपने हिसाब से बना लीजिए, बड़ा या छोटा वो आपके ऊपर है। इस तरह से ये आपने लड्डू बना लिए, इसके ऊपर फिर आपने ये गार्निश के लिए नारियल डाल सकते हैं, और ऊपर से अगर आपने गार्निश करना है तो। दोस्तों, ये आपका कम से कम
एक हफ्ता चलेगा। आप इस लड्डू को फ्रिज में रख के आराम से एक हफ्ते तक इसको आप खा सकते हैं। इसके बाद आपने ये थोड़ी सी ये इलायची को ये करके यहाँ डाल दीजिए। दोस्तों ये बहुत ही पौष्टिक है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।